और भगवान श्रीहरि ने कहा, नारद सुनो, बहुत आदर के साथ नारद मैं आपको कहता हूं, संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख हैं, सर्वथा मात्र शिव पूजन से सभी कष्ट मिट सकता है और सभी पापों का भगवान शिव जी नाश कर देते हैं। ये विष्णु का वचन है। पाप के प्रणाम स्वरूप जितने दुख हैं, जितनी पीड़ा है, जितने कष्ट हैं, ये शिव पूजा से, शिवा अर्चन से सब कुछ नष्ट हो सकता है। इसलिए महादेव जी का नाम है ना, बिड़ भंजन महादेव, कष्ट भंजन महादेव, दुख भंजन महादेव। है कोई देवता आपके पास? ये शिव जी के नाम है। देवताओं को भी कष्ट से मुक्त करते हैं, ऋषि मुनियों को भी कष्ट से मुक्त करते हैं। कष्ट भंजन, दुख भंजन, बिड़ भंजन महादेव, दुख भंजन महादेव, कितनी सुंदर बात है। पाप का मूल दुख ही है ना, पुण्य का मूल सुख है, सुख का अर्थ है आनंद और पाप का अर्थ है संताप, दुख, वेदना, पीड़ा। और जीवन के सभी दुखों में से मुक्त होने के लिए भगवान महादेव का अर्चन करें, महादेव का पूजन करें। नारद, अब शिव का अर्चन करो। ये विष्णु जी के सभी वाक्य हैं।